भाई सुहागरात वाला सीन बताओ। जय उदित, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन ज्यादा बोलता है? जय उदित भाई, लड़ाई झगड़ा होता है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो उसका एक ट्रेलर आपके सामने ये रहा। चलो भाई, क्या आप सिंगर हैं? Yes, I am a singer. अच्छे से बताओ। अब खा भी अच्छा नहीं। हाँ, मैं सिंगर हूँ। ये ज्यादा इंग्लिश नहीं झोंकना हर चीज में। अच्छा, तो इंग्लिश क्या झोंकी? मैं सही ना बोली आया, फिर मैं कुछ मन नहीं करता, मतलब कोई चीज बोल दो तो उसमें उचारी दिखा देनी है। सुनो तो मैं बता रहा हूँ, एज अ व्यूअर कैसे अच्छा। एज अ व्यूअर। फौजी भाई, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तुम्हें शादी में दहेज कितना मिला? कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरे। सो हे गाइस, कल की वीडियो आपने Q&A का फर्स्ट पार्ट देखा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो बस इसी बात का डर था कि आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन यार कमेंट से समझ में आ गया कि आप लोगों को बहुत मजा आया। लेकिन सच बताऊं तो वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो आज के पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो सेकेंड पार्ट को पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मजा टाइप का जाएगा। शाहरुख 3794 ने कहा है, यार मैं आपका 2018 से सब्सक्राइबर हूँ, मैं तो आपकी वीडियोस को जियो के कीपैड में देखा करता था, डेली मौज। जियो के कीपैड वाले फोन में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब बहुत पुरानी बात है यार, उसके लिए थैंक यू सो मच भाई, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और मैं खुद आपसे आशा करता हूँ कि जो अब जियो का कीपैड था आपके पास, तो आज आपके पास आईफोन हो, वो भी लेटेस्ट मॉडल वाला। इतनी मेहनत करो, भगवान आपको इतना आशीर्वाद दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसु कटारिया 001 का। ओके। बहुत बड़ा वाला फैन हूँ फौजी भाई 5 साल से। ओके। और आपसे एक ही सवाल है कि गिव अवे कब करोगे? देखो भाई, गिव अवे ना करने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि मैंने एक बार गिव अवे किया था, दो बार किया हूँ, और दोनों बार मैंने 10-10, 20-20 लोगों को रॉयल पास वगैरह दिया था। लेकिन जिनको मैं दे देता था वो तो बहुत खुश हो जाते थे, 20 लोग को, जैसे 20 लोगों को दे रहा था, वो 20 लोग बहुत खुश हो जा रहे हैं। लेकिन बाकी के जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, मतलब 20 छोड़ के बाकी 16 लाख सब्सक्राइबर, वो सारे नाराज हो जाते थे, सारे के सारे नाराज हो जाते थे कि भाई मेरे को नहीं दिया, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, कब से हूँ, ये हूँ, फलाना ढिकाना। तो उस वजह से मुझे लगता कि भाई गिव अवे करना बेकार चीज है। लेकिन हाँ, इस बार मैं करूंगा गिव अवे, और इस बार थोड़ा बड़ा करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोगों को करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन जरूर, ये मैं आपका प्रॉमिस करता हूँ, इस साल में हो जाएगा गिव अवे, ये मेरा प्रॉमिस है। स्टूडेंट विजय ने कहा है, आप इतनी लेट वीडियो क्यों डालते हो फौजी भाई? देखो मैं सच बता रहा हूँ, तो इस पे एक गलती भी बोल सकते हो आप मेरी, या फिर मजबूरी भी। मैं पहले डेली वीडियो डाला करता था, आज से मतलब 2 साल पहले तक, 2 या 2.5 साल पहले तक मैं डेली वीडियो डाला करता था, एक दिन का गैप नहीं करता था। और रियल बात बता रहा हूँ, अगर YouTube में आपको आना है तो डेली वीडियो डालो। डेली वीडियो डालोगे तो आपकी जो YouTube की ग्रोथ है ना, आपके चैनल की जो ग्रोथ है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और आपका जो YouTube का एल्गोरिदम है वो धीरे से आपको रीच दे देगा। लेकिन अगर आप गैप करोगे तो वो रीच नहीं मिल पाएगी। तो मैंने रेगुलर वीडियो डाली, काफी अच्छी रीच मिली, और उसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है। लेकिन फिर बीच में मेरे को हो गया कोरोना, और कोरोना के बाद से जो मेरी हैबिट छूटी है डेली वीडियो डालने की, तो वो आज तक ठीक नहीं हो पाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं डेली वीडियो डालूँ, लेकिन जब मैं डेली वर्क करता हूँ ना, तो भाई मैं थक जाता हूँ, ये सीरियस बात है, मैं नहीं कर पाता हूँ। अब ये हैबिट चली गई मेरी, या फिर कुछ और बात हो सकती है, लेकिन हाँ, रीजन यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड मुंडा का। फौजी भाई, आप अपनी 6 साल की यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ। तो देखो मेरे भाई, बैड मुंडा 6 साल की जो यूट्यूब जर्नी है वो बहुत बड़ी है, उसको बताते बताते कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन काफी लोगों ने किया है मुझसे कि आप यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ, यूट्यूब में क्या करते थे, यूट्यूब के पहले क्या करते थे, ये सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2018 से यूट्यूब में हूँ, और उसके पहले 2017 और 2016 में मैं जॉब किया करता था। मैंने दिल्ली में जॉब की है 1 साल, ठीक है। उसके बाद मेरे को घर वालों की याद आने लगी, तो मैं आ गया। आने के बाद यहाँ पे मैंने जॉब की जबलपुर में, जियो में भी की मैंने जॉब, लेकिन कुछ समय जॉब करने के बाद मेरे को निकाल दिया गया जॉब से, ठीक है। जब जियो से निकाला गया, उसके बाद मैं काफी जगह जॉब करने की ट्राई किया, लेकिन मेरी जॉब ही नहीं लग रही थी। मतलब मैंने 2 से 3 महीने परिश्रम किया भरी गर्मी में, लेकिन कोई भी जॉब नहीं दे रहा था, सब इंटरव्यू में बुला रहे थे और चूतिया बना के भेज
भेज दे रहे थे। तो ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ। फिर उसी टाइम ये अपना पबजी आया। पबजी जब आया तो मैंने यूट्यूब में देखा काफी लोग पबजी खेल रहा। मैं गेमिंग का बहुत शौकीन था पहले, फ्रंट लाइन कमांडो वगैरह में बहुत खेला करता था। तो मैंने देखा यूट्यूब में काफी लोग पबजी खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं देखता था, खेलता नहीं था, देखता था। फिर उसी बीच मैंने एक बार पबजी इंस्टॉल किया। पबजी इंस्टॉल करने की भी कहानी ये है कि पबजी इंस्टॉल किया और जब अपन स्पॉन आइलैंड में जाते हैं ना तो वहां पे नंबर चलता ऊपर सेकंड, तो वो सेकंड चल रहा था और वहां पे लोग एक दूसरे को घूंसा मार रहे थे। तो मैंने कहा ये कैसा गेम है यार, घूंसा मार रहे हैं क्या है। तो मैंने भाई उसको डिलीट मार दिया। मेरे को नहीं समझ में आया कि इस मिनट के बाद जाके गेम स्टार्ट होगा, मैंने डिलीट मार दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे बर्गी में ही 2-3 लड़के खेल रहे थे। मैंने कौन सा गेम खेल रहे हैं, उन्होंने कहा पबजी। मैंने कहा पबजी में तो मैंने घूसे वाला सीन देखा था, ये कब से आ गया गनन वाला। फिर मैंने यूट्यूब ढंग से देखना स्टार्ट किया तो मैंने डायनामो को देखा, क्रोंटन को देखा और MRX को देखा, MRX हिंदी गेम है उसको देखा। इन तीनों को मैं देखता था शुरू में। फिर डायनामो को देख देख के मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को पट से हेडशॉट उसके बहुत पसंद आने लगे, तो मैं धीरे धीरे भाई उसी को देखने लगा। और फिर मेरे को ये नहीं पता था कि भाई पबजी जो है वो मोबाइल गेम है। मेरे को ये लगता था कि इसको पीसी में भी खेल सकते क्योंकि उस टाइम डायनामो लोग इसी में भी खेला करते थे। तो मैंने कर्जा लेके, गाइस झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे मम्मी पापा तो रहीस नहीं थे, तो मैंने कर्जा लेके कंप्यूटर खरीदा था 1,00,000 रुपए का कर्जा लेके। और सच बता रहा हूं वो कर्जा चुकाने में मेरी फट रही थी कि मैं कैसे चुका पाऊंगा। मतलब ये था ना कि यार पापा कमा रहे 5,000 रुपए महीना, अब मैं कर्जा चुकाऊंगा कैसे, ले तो लिया चुकाऊंगा कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो मैं दिन रात मेहनत करता था लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। मतलब चैनल चले ना, समझ रहे ना, इतना बड़ा पीसी खरीद लिया लेकिन कोई मतलब का पीसी नहीं, रिव्यूस आए नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा 50-100 इससे ज्यादा आए नहीं रहे। मैं होप छोड़ दिया लेकिन मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा। कर्जा वाले कर्जा के लिए बोल रहे कि भाई लौटाओ ये वो, जॉब भी नहीं कर पा रहा कुछ, मतलब ब्लाइंड हो गया था यार मैं दिमाग से कि मैं करूं क्या। तो फिर मैंने होप ही छोड़ दी। अब कर्जा वालों के फोन आ रहे मैं उठा भी नहीं पा रहा, इतना ज्यादा मैं पैनिक था। उसी बीच Redmi Note 8 Pro लॉन्च हुआ, ठीक है। तो क्या होता था गाइस कि एमुलेटर में लोग खेलते थे तो हैकर्स आते थे, हैकर बहुत ज्यादा आते थे, ठीक है। तो फिर डायनामो लोगों को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिलने लगा था कि तुम एमुलेटर प्लेयर हो, ये वो एमुलेटर टट्टा। मेरे को भी लोग बोल देते थे कमेंट में, अगर जितने भी देख रहे 150 उस पे भी 10 लोग एमुलेटर टट्टा बोल देते थे। तो मेरे को बड़ा वो लगा यार। तो मैंने वो सब वीडियो प्राइवेट कर दी, ठीक है, मेरा डिमोटिवेट हो गया। फिर उसी बीच मोबाइल का सीजन चालू हुआ, मतलब मोबाइल में ज्यादा लोग खेलने लगे। तो फिर मैं सोचा कि यार अब इतना पैसा लगा लिया है तो थोड़ा सा और सही। तो मैंने Redmi Note 8 Pro खरीदा, ठीक है, Redmi Note 8 Pro खरीदा। और कुछ दिन के बाद मेरी किस्मत इतनी ज्यादा चल गई कि वो Redmi Note 8 Pro ही सबसे ज्यादा वायरल हुआ। मतलब पूरे पबजी में Redmi Note 8 Pro के जितने लोग Redmi Note 8 Pro ले रहे थे तो वो लोग क्या करते थे, YouTube में सर्च करते थे Redmi Note 8 Pro में पबजी कैसा चलता है, समझ रहे। और मैं उसी का नाम डाल के गेम खेला करता था कि Redmi Note 8 Pro पबजी टेस्ट ये वो फलाना ढिकाना। तो सब जितने थे वो सब मेरी वीडियो आके देखा करते थे Redmi Note 8 Pro की, और काफी लोगों ने मेरी वजह से Redmi Note 8 Pro भी खरीदा है। तो उस वजह से वो मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ा। क्या हुआ, मैं सोया, जैसे मैं डेली सोता हूँ, 200-400 वीडियो, 500-1000 तक व्यू आने लगे रहे, ठीक है। मैं सो गया, सुबह उठा 270,000 व्यू। जब मैं देखा मैं अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था, मैं चिमटिम टीवी काटा, मैंने ये क्या सब्सक्राइबर 5,000, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद से फिर मेरी हर वीडियो में धीरे धीरे करके व्यूज आने लगे। तो फिर धीरे धीरे मेरा चैनल मतलब ग्रोथ हुआ और फिर मैंने धीरे धीरे सबका कर्जा भी चुकाया और टेंशन मुक्त हुआ। तो ये थी मेरी समझ लो यूट्यूब की हार्डेस्ट जर्नी जिसपे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वर्थ विनोद कह रहे हैं भाभी जी का आवाज अच्छा है। आवाज तो अच्छा है, तो थैंक यू बोल दो, घमंड क्यों करते हो। थैंक यू सो मच। कॉल मी 7068 ने कहा है भाभी को कब आपने बीजमाई की शायरी सिखा दी, बहुत बढ़िया आपकी शायरी कंप्लीट करती है। तो भाई देखो बीजमाई की शायरी जो मैं इसको सिखाया हूँ उसका राज मैंने आपको भी सांप का चक्कर मौत से टक्कर वाली वीडियो में दिखा दिया। जितना उस पे टाइम लगता ना उतना इसको शायरी बोलने में भी टाइम लगता है। बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा तो एक प्रॉपर 24 घंटा की वीडियो बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ऐसा मैं हूँ एक सिंगर, ठीक है, मेरी टोन अलग जाती है, इनकी टोन एकदम वही रहती है।
रहती है, तो मुझे चाहिए लिरिक्स भैया सामने रख दो, आई एम मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो बस भाई स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए, सस्ते लोग स्क्रिप्ट के यूज करते हैं, महंगे लोग नहीं करते बेटा, करते सब है। हमने भी आपका फोन देखा, भरी पड़ी सारी तो भरी पड़ी है, तो वो मैं अपने लिए बना के लिखा हूँ, इसलिए आप बना रहे। जब मैं अपना सॉन्ग खुद बनाऊंगी ठीक है, तो मैं आराम से बोल सकती, पर आप नहीं गा सकते। अच्छा ठीक है, अगर ये चीज है ना, एक सेकंड अभी टेस्ट हो जाएगा, जैसे मैं गाऊंगी सेम गाना पड़ेगा, ठीक गाइस, आप लोग खुद समझ जाएंगे। ओके, कभी कभी मेरे दिल में इतना गा दो, कभी कभी मेरे दिल में। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। गॉड एक्स किलर वाईटी ने कहा है, और ऐसा क्वेश्चन काफी लोगों का है कि फौजी भाई आपने खुद को सिंगल बोल बोल के भाभी ले आए, ये गलत बात है। शादी एक दिन सबकी होना है, एक सिंगल जो लड़का है उसकी भी शादी होना है, समझ रहे हो ना। तो मैं सिंगल था, अब नहीं हूँ, आप लोग भी सिंगल हो, आगे चल के नहीं रहोगे। और रही बात सिंगल होने की, तो ना किसी के गम में रोते हैं, ना किसी के प्यार में खोते हैं, हम सिंगल हैं जनाब, 1.5 GB डाटा खत्म करके सोते हैं। सिंगल में गर्व करो, मतलब ये नहीं कि सिंगल होना मतलब एक पाप है, गर्व है भाई। आईजी करण ने कहा, मुझे भी भाई तेरे जैसी बीवी चाहिए। फौजी भाई देखो भाई, मेरे जैसी या ये वो चूज कर लो, क्योंकि इसके जैसी शायद ही मिल पाए, है ना। अब एक थोड़ा डार्क क्वेश्चन है जिसका आंसर डार्क नहीं है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफी लोगों का है। एनजे ऑफिशियल गेमिंग ने कहा है, भाई सुहागरात वाला सीन बताओ, शुरू से एंड तक मेरी भी शादी होने वाली, कुछ टिप्स दो। तो तुम एक बहुत गलत इंसान से टिप्स मांग रहे हो, क्योंकि मैं सुहागरात के दिन सो गया था भाई। और एक साथ नहीं, अलग अलग, मैं सोई थी अपने सासू मम्मी और अपने ननद जी के साथ, और मैं अकेला सोया था यहाँ। तो तुम बहुत गलत इंसान से टिप्स मांग रहे हो, समझ रहे हो ना। शाबाश। तो आईजी अमन जी ने कहा है, जी आपके घर वालों ने इतनी जल्दी आपकी शादी कैसे करा दी है, हमें भी बताओ। तो देखो भाई लोग, शादी की बात करूं तो शादी का कोई प्लान नहीं था, इसकी जो एक और बहन है वो इससे बड़ी है, तो इसकी शादी होने का कोई चांस नहीं था। मेरा तो ठीक है, मैं कर लौटता हूं, तो मेरे को जब भी शादी करना होगा मैं कर लूंगा, मेरा ऐसा था, और घर वाले सोच भी रहे थे शादी का, लेकिन इसके लिए नहीं सोच रहे थे। और जब मैंने ऑफर दिया था इनके घर में, मतलब कि शादी करनी है, तो साफ मना भी कर दिया गया था कि भाई शादी नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि बड़ी लड़की भी है, ऐसा वैसा फलान ढिकाना। लेकिन फिर मैंने काफी ज्यादा प्रेशर दिया इसको भी कि यार प्लीज यार प्लीज यार समझो, झूठ झूठ भी बोला कि मेरे घर वाले कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये वो फलान ढिकाना, मतलब बिल्कुल ऐसा ज्यादा प्रेशर दे दिया कि ये भी डर गई। तो उसने काफी ज्यादा मनाया घर वालों को, और फिर हो गई शादी। ऐसा था सही भाई, मतलब हर चीज में ना लड़की से सच बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लड़की से भी झूठ बोलना पड़ता है। दिस इज बिजनेस ब्रो, दिस इज बिजनेस। मनु जोशी ने कहा है, शादी करके तो आपने दिल तोड़ दिया सर मेरा, बिग फैन। अब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा बुरा लगता है, मत किया कर। बुरा नहीं लग रहा बेटा, मन में लड्डू फूट रहा है। बुरा क्या लग रहा है, तुम नहीं समझोगी, लेजेंड कैन अंडरस्टैंड। कोई ना, मैं सब समझ रही हूँ, पर एक बात मैं भी समझा दूँ, अगर जैसे आपने क्यों नहीं किया है ना, मैं अपने में डाल दूं, लाखों लड़कों का दिल टूटा हुआ है मेरी वजह से। ओह माय गॉड, देखो फिर एटीट्यूड देखा ना, एटीट्यूड वाली तो है, मतलब एटीट्यूड जो कल था वही आज है, जिंदगी ऐसे जी जैसे बाप कर आज। या ब्रो। ये ब्रो। चट्टा से दे दूंगा लाइव में ब्रो, ब्रो बोली तो। चलो ये क्वेश्चन मेरा है, फौजी भाई को आप भाई क्यों बोलती हो, एक लड़के ने पूछा था, उसका दिख नहीं रहा, बताओ भाई क्यों बोलती हो, भैया क्यों बोलती हो। एक बहुत ही अच्छा सा आंसर है मेरे पास, आप लोग थोड़ा अटपटा सा मानोगे, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ना जितने लड़के हैं, मैं सबसे छोटी थी अपने हिसाब से, एक हिसाब से कहा जाए तो क्रिएटरों में भी मैं अपने रिवा में सबसे छोटी हूँ, तो मैं एज अ रिस्पेक्ट उनको भैया ही बोलती थी, लगभग सबको भैया बोलती थी, क्योंकि मैं नाम नहीं देती थी, मैं रिस्पेक्ट देना चाहती थी उनको, तो भैया बोलते बोलते मेरी ऐसी गंदी आदत पड़ गई कि मैं आपको भी भैया बोलती हूँ। और दूसरी बात, इनके नाम में भी फौजी भाई आता है, तो क्या करे यार भैया ही निकलता है। तो भैया भैया की जगह सैया बोल दो ना, बी की जगह एस लगा दो, अब वो भैंस हो जाएगा ना, बी एस, बी की जगह एस लगा दो, थोड़ी सी अनपढ़ भी हल्की सी अनपढ़ नहीं हूँ, पर हो गया, सैया बोलना नहीं अच्छा लगता, भैया बोलना अच्छा लगता। मारूंगा। अम्मू 09 ने कहा है, भाभी को रोस्ट करने के बाद खाना मिल जाता है। उसने तेरा तौबा 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 बताओ
देखो ऐसा कुछ नहीं है, रोस्ट वोस्ट मेरे को ज्यादा ये करते नहीं, मैं उल्टा कर देती हूँ। मैंने जो वीडियो में रोस्ट किया है ना दो शायरी में, तो वो सिर्फ दो ही बार मैंने रोस्ट किया हूँ शायद, बाकी यही करती रहती है ना, तो रोस्ट वगैरह नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज आई एम अ टिकटॉकर ब्रो, खुद अपने आप को रोस्ट कर रही है। नितेश साहू भाई ने कहा है, फौजी भाई आपकी फर्स्ट पेमेंट में आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? तो सही बता रहा हूँ, जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था तो कोई साथ नहीं देता था, और ये हर इंसान के साथ होता है जितने भी यूट्यूबर है, समझ रहे हो, उनको ये लगता है कि यार क्या कर रहा होगा, ये वीडियो बना के क्या मिलता होगा। अब आज की जनरेशन में सबको पता है, लेकिन उस टाइम 5-6 साल पहले किसी को नहीं पता था, उस वजह से भी मम्मी पापा साथ नहीं देते थे, पैसे वगैरह नहीं देते थे, इसलिए मैंने कर्जा लेके ये खरीदा था अपना मतलब कंप्यूटर। तो जब फर्स्ट पेमेंट आई तो उनको क्या लगा कि ये उससे नहीं आई यूट्यूब से, उनको लगा ये कुछ और करके लाया है और मेरे हम लोग को बना रहा चूतिया है। क्योंकि 7,000 रुपए आई थी, तो फिर मैंने उनको डिटेल्स दिखाया, मैंने सच में ये आई है वहीं से। फिर दूसरी बार जब 7 की जगह समझ लो 10 और लगा दो उतनी आई, तब घर वाले आपको बका गए, और फिर वो समझ गए कि भाई ये यूट्यूब में तो बहुत पैसा है, तो फिर उनने मेरा साथ देना स्टार्ट किया, ऐसा हुआ। तो प्रवीण कपूर जी ने कहा है, फौजी भाई आपने अपने करियर में क्या सोचा है, और ये नेपाल से। देखो मेरे भाई, बात करें करियर की तो काफी लोगों को लगता है यूट्यूब में कुछ नहीं है, यूट्यूब में ये नहीं है वो नहीं है, मतलब जो नहीं चलाता, जो यूट्यूब के बारे में नहीं जानता उनको लगता होगा भाई क्या है यूट्यूब में, कुछ नहीं है, लेकिन यूट्यूब ही करियर है, सही बता रहा हूँ। अगर यूट्यूब में आप अच्छे से हो, काम कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे ख्याल से। तो मेरा करियर यूट्यूब ही है, अभी फिलहाल में तो यूट्यूब ही है, और आगे भी यही करने की सोचा हूँ। नरेश सैनी जी ने कहा है, दोनों की जोड़ी मस्त है। है? अभी मेरे से क्या पूछना, तुम बताओ तुमको क्या लगता? बताइए तुमको क्या लगता है? मुझे तो सब अच्छा लगता। सब अच्छा लगता है मतलब? ये रिप्लाई था इनके मम्मी का जब मुझे देखने आई थी कि मेरे बेटे को तो सब पसंद आ जाती। अब इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, मुझे तो सब सुनो सुनो, मेरी मम्मी थोड़ी तेज टाइप की है। हुआ क्या, इसके पापा ने मेरे से पूछा कि रिया पसंद है आपको? तो मेरी मम्मी कहती मेरे लड़के को तो सब लड़की पसंद आ जाती। और इनका रिएक्शन, इनका रिएक्शन, मैं शौक, मैंने ये क्या बोल रही मम्मी। अगला जो क्वेश्चन है वो रचित भाई ने किया है, क्या रिया भाभी सिंगर हैं, उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आपसे भी ज्यादा फॉलोवर है, बट आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू भाभी एंड भाई, क्या आप सिंगर हैं? यस आई एम अ सिंगर, और मैं जब मैं 10th क्लास में थी तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, फिर मैंने सीखना अब भी स्टार्ट किया, मतलब म्यूजिक से ही मेरा कॉलेज का सब चल रहा है, मैं बीए कर रही हूँ म्यूजिक से, और आगे भी मुझे पढ़ाई म्यूजिक से ही करनी है, और मैं काफी शो भी कर चुकी हूँ, तो आई एम अ सिंगर। शो भी कर चुकी है गाइस। जय उदित, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन ज्यादा बोलता है? जय उदित भाई, लड़ाई झगड़ा होता है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो उसका एक ट्रेलर आपके सामने ये रहा। चलो भाई, क्या आप सिंगर हैं? Yes, I am a singer. अच्छे से बताओ। अब काफी अच्छा नहीं? हाँ, मैं सिंगर हूँ। ये ज्यादा इंग्लिश नहीं झोंकना हर चीज में। हाँ, अच्छा तो इंग्लिश क्या झोंकी, मैं सही ना बोली आप इस तरह, मैं कुछ मन नहीं करता, मतलब कोई चीज बोल दो तो उसमें उचारी दिखा देनी है। सुनो तो मैं बता रहा हूँ, एज अ व्यूअर कैसे अच्छा, एज अ व्यूअर, बहुत व्यूअर जैसे खुद देखते हैं, हो गया चलो, इतना ना झाड़ा करो हमसे हर चीज में, टोंका टाकी। और अब दूसरा जो उसका क्वेश्चन है जय उदित भाई का, कि कौन ज्यादा बोलता है? मुझे तो लगता है कि ये बोलती है, इसको क्या लगेगा मैं बोलता हूँ, तो सबूत आपके सामने है, वही वही देख एक सेकंड, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, ज्यादा कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं चुपचाप शांत हो जाती, इनको इतनी चिड़न होती है। ये बात सही है, जब हमारी लड़ाई होती तो ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, और मुझे उस वजह से और खुन्नस आती कि भाई मैं अकेले बोल रहा हूँ, बोलती तो लड़ाई झगड़ा सब में होती, लेकिन हम लोग की वैसी टॉक्सिक बहुत गंदी लड़ाई नहीं होती। हाँ, हम लोग की लड़ाई नहीं होती, हम लोग बहुत अच्छे कपल है, बिल्कुल भी नहीं लड़ते गाइस, ये देखो कितने प्यार से देख रहे हैं मुझे, आई लव यू बाबू। अब बस करो यार, थक गए यार, मतलब कोई चीज की हद होती 2 घंटे से लगे बैठे में। शुभम राठौर जी ने कहा है, फौजी भाई मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, बस आप ये बताओ केदारनाथ कब जा रहे हो? तो इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूं, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं फौजी भाई आप हनीमून में कहाँ जा रहे हो? सही बताऊं तो हनीमून का कोई प्लान नहीं हमारा, लेकिन केदारनाथ जाने का जरूर प्लान है, राइट? तो हाँ, हमारा सपना है केदारनाथ जाने का, तो हम दोनों ने पहले से वैसे प्लान करके रखा है कि शादी के बाद सबसे पहले अपन केदारनाथ ही जाएंगे। ये हुई ना बात। भाई भाभी माँ जैसी धर्म पत्नी पाने के लिए कौन सी तपस्या करनी
करनी पड़ेगी। बताओ। तपस्या मैंने की है। मैं ना 2 साल से इतना ज्यादा व्रत करती हूँ, सावन सोमवार का व्रत रखती हूँ, जन्माष्टमी व्रत रहती हूँ, महाशिवरात्रि व्रत रहती हूँ, और तीजा होता है ना, तीज जो अपने पतियों के लिए रखा जाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम होता है कि लड़कियाँ मांग करके कुछ होता है उसमें पहले से रहने लग जाओ तो अच्छा पति मिलता है। तो मैंने बहुत तपस्या की है, निर्जला व्रत रखना बहुत बड़ी बात होती है। उन्हीं व्रतों का फल है कि ये मुझे मिले, और मेरे घर वाले भी कहते हैं कि इतने तुमने व्रत किए तो तुमको अच्छा पति मिलना तुम्हारे भाग्य में था। मतलब मैं अच्छा हूँ? नहीं नहीं, इनके परिवार वाले ज्यादा अच्छे। देखो पूछ लिया तो ऐसा कहते। मेरे ससुर जी, मेरी सास जी, मेरी नंद इतनी अच्छी हैं गाइस। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, पर सच में बताऊं इनसे ज्यादा मेरे को वो प्यार करते हैं। मतलब तुमको मेरा प्यार जज करते हैं? प्यार अच्छा है इनका, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, पर होता है ना एक उनका थोड़ा ज्यादा प्यार है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। फोर्स एके आर्मी वाईटी ने कहा है, तुम्हें शादी में दहेज कितना मिला? दहेज ये क्या होता है? दहेज वहेज वाली बात ही नहीं हुई भाई, लड़की मिल गई वही काफी है। दहेज से 10 गुना ज्यादा कीमती है। बस 10 गुना? अरे मतलब इन्फिनिटी, लेकिन बहुत कीमती है, तो वसूल लूंगा पैसा पूरा, टेंशन लो। आकाश बरेठ ने कहा, ये शायद रीवा से हैं, उन्होंने कहा कि भाभी मेरी क्रश थी और आप मेरे फेवरेट गेमर, दोनों की शादी हो गई लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं। हालांकि देखो, बुलाया तो मैंने सबको था, जितने लोग मतलब कि मेरे जानने पहचानने वाले थे मैंने A to Z सबको बुलाया था, ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा होगा जिसको मैंने बुलाया नहीं था, और तुम्हारी क्रश को चुरा लिया, उसके लिए सॉरी यार। बहुत तकलीफ होती है। पवन ठाकुर भाई ने कहा, बारात में कितने लोग आए थे, खाने में क्या क्या था? तो देखो, बारात में 300 से 400 लोग आए थे, बाकी सब इसकी तरफ के थे, और खाने में इवन सब कुछ था भाई, सब कुछ ही था, जितना था सब जो खाने में रहना चाहिए पार्टी वगैरह में सब कुछ था। आशीष जैतवार जी ने कहा है, भाभी के साथ मिलके वीडियो बनाने में कैसी फीलिंग आती है आपको, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। सच बताऊं तो पहले मैं बहुत बोर हुआ करता था अकेले जब बनाता था, लेकिन जब से इसके साथ बना रहा हूं मजा बहुत आता है, बहुत ज्यादा। सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि यार अब अकेले बनाने में, मतलब जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, अब इसको मम्मी ने नीचे बुला लिया, डैडी ने बुला लिया, खुशी ने बुला ली, तो मेरा ना फिर मूड ऑफ हो जाता है कि यार मेरे को साथ में बनाना था यार, क्या यार नाटक यार, ऐसे करके फिर मैं नीचे जाता हूँ, मम्मी प्लीज उसको भेज दो, ऐसे करता हूँ। अब देखो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं फरमाइश है, वो भी काफी लोगों की फरमाइश थी, भाभी जी से एक सॉन्ग गवा दो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कोई भी सॉन्ग गा सकती हो, इसके बाद आपकी छुट्टी। पहले तो मैं बता दूं, गाने का मैं पैसा लेती हूं, तो भैया पहले पैसा ये लो, 200 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। इतने में कुछ नहीं होने वाला। अरे स्टार्ट तो करो यार, मैं ऐसा करके 200 रुपए का मैं 4 लाऊंगा। नहीं नहीं, मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा ना, करते जाऊंगा लो, पहले 200 रुपए स्टार्ट पकड़ो आप, जो आपको लगता हो वो गाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आपको पैसे बरसाऊंगा अगर आप अच्छा गा लो। और क्या, तो मैं आप सबको बता दूं जो मैं सॉन्ग गाने वाली हूं, ये मेरे पति देव का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है, इन्होंने मेरे को कहा था कि ये सॉन्ग आना चाहिए तुमको और कोई आए चले। तो मैं सुना रही हूँ। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चाँद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये पैसा वापस दो। मुझे पैसा चाहिए। नहीं, बहुत गरीबी चल रही है। तो गाइस बस यही था आज के इस Q&A में, आई होप आपको Q&A अच्छा लगा होगा। देखो मैं सच बताऊं तो काफी सारे क्वेश्चन थे जो पिक नहीं किया, मैं आपको एक डिटेल्स दिखा देता हूं इस पे, ये देखो क्वेश्चन आप देख सकते हो, मतलब बहुत क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा, ये देखो यहाँ
से लेके ये देखो ये कितने क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हो रहा है, समझ रहे ना, क्वेश्चन की बहुत भरमार है लेकिन जवाब देते देते थक जाएंगे। इसलिए आई होप आप लोगों को सारे सवालों के जवाब हम लोगों ने दे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो अगले महीने फिर से क्यू एन ए करेंगे। और इस बार जो क्यू एन ए होगा वो मैंने एक मास्टर प्लान बनाया कि आप लोग इंस्टाग्राम में हमें फेस के साथ मेंशन करेंगे, उसको हम आपको दिखाएंगे आपका फेस भी और फिर पिक करके आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आई होप आपको एक क्यू एन ए अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।